ओडिशारे बॉलीवुड रो भर्साटाइल एक्टर शक्ति कपूर ईस्टर्न मीडिया ओपेरा रे अभिनय पई शक्ति कपूर आसीचंती ए अवसर रे से कहिचंती ओडिसा भगवान को माटी एठा को आसी से धन्य मने करूचंती ओडिसा रे लोके बहुत नहीं तेबे ओडिया यात्रा रे अभिनय पई भाषा प्रतिबंधक साजिवो नहीं बोली शक्ति कपूर कहिचंती से आहुरी मध्ये कहिचंती ओडिसा रे यात्रा दर्शकों का संख्या ढेर अधिक में आप 700 से ज़्यादा फिल्म में काम किए हैं, बहुत डिकेट्स से लेकर आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार यात्रा में आ रहे हैं उड़ीसा में, रीजनल लैंग्वेज में यात्रा में काम करने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है आप में? देखिए उड़ीसा तो मैं पहले भी आया था, यहाँ की मैंने एक फिल्म भी की है, लेकिन जो मैं यात्रा के हालात देख रहा हूँ, यहाँ पे यात्रा बहुत पॉपुलर है लेकिन उनको कोई बैकिंग ज़्यादा नहीं मिल रही है। और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जितने भी कलाकार यात्रा करते हैं इनको कुछ ग्रांट्स मिले, इनको कुछ प्रिविलेजेस मिले, इनका जो इनको पैसा मिलता बहुत कम मिलता है वो थोड़ा बढ़ा के दें। और यात्रा एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है जो गांव-गांव घूमकर एक नाटक करते हैं लाइव ऑडियंस के सामने, कई बारी 10,000 ऑडियंस होती है, कई बारी 15,000 5,000, और ये एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है, इसको जारी रखना चाहिए, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, कलाकार की कोई भाषा नहीं होती है, कलाकार कलाकार होता है, चाहे वो यात्रा करे, चाहे वो फिल्म करे, चाहे वो थिएटर करे। यात्रा का नाम इसलिए यात्रा दिया गया है क्योंकि ये यात्रा है, एक जगह आज रात करेंगे, अगले दिन दूसरे गांव करेंगे, तीसरे दिन तीसरी सिटी में करेंगे। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आज एक महान नगरी भुवनेश्वर में आया हूँ, भगवान की धरती है, इस धरती के अंदर भगवान है, साक्षात अच्छे लोग हैं, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अच्छे लोगों के बीच में मैं अपना अभिनय करूँगा। जब शक्ति कपूर जी का नाम आ जाता है तब लोग गुनगुनाते हैं, कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ डायलॉग्स आज उड़ीसा के लोगों के लिए। सुबह स्नान करके ध्यान साधे, प्रेम करे सभी सब इंसानों से, उससे भक्ति भरपूर कहते हैं, और जो छेड़े लड़कियों को और गुंडों को मारे उसे शक्ति कपूर कहते हैं। और कुछ डायलॉग होता है जो ललिता 90s के अगर याद करें तो? सर सारी दुनिया तो अच्छी तरह से जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ, और शराफत तो मेरी बहुत पिक्चरों में आप लोगों ने देखी है, और एक वो डायलॉग है जो मेरे पीछे एक बंदर की दुम की तरह चिपका हुआ है, और वो तो क्या है कि आपके ऑफिस में इतनी हसीन लड़की है तो मैं बोल सकता हूँ ललिता। सबसे आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है उड़िया लैंग्वेज को समझना, जो आपके साथ को एक्टर्स होंगे एक्ट्रेस होंगे उनको आप भाषा आप कैसे समझेंगे मंच पर? देखिए बहुत आसान होता है, एक दो रिहर्सल्स होंगी, एक दो तो नहीं होंगी, 20-25 होंगी, और कलाकार भाषा को बहुत आसानी से समझ जाता है एक्सप्रेशन से। मेरी हैप्पी कि मैं उड़ीसा में खड़ा हूँ और इस पवित्र धरती पे खड़ा हूँ, और आज रथ यात्रा भी है, आज तो सोना ही सोना है, सोना ही सोना है। एक आदमी आया डाकू, बोलता सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, मैंने बोला मेरा बाजू वाला रूम खाली है, उधर सो जा। ऐसा डायलॉग बोलना चाहेंगे कि जो उड़िया लोगों के लिए होगा, और अपने 90s के जमाने के उस कुछ फेमस डायलॉग जो आज भी उड़ीसा के लोग गुनगुनाते हैं और जब आप खुद उड़ीसा में हैं लोग सुनना चाहेंगे? क्राई मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ, टपक 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 टपक, आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा, क्योंकि मोगेम्बो का भांजा क्राइम मास्टर गोगो आऊ ललिता।